एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। आप सब लोगों ने बहुत विशेष की है जिसका हम शायद कभी आंसर ना भी दे पाए हो, लेकिन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। राम राम, सीताराम, जय हिंद, हर हर महादेव। बताना ये चाह रहे थे जल्दी जल्दी में कि हमारी मूंगफली की कटाई हमने आज स्टार्ट कर दी है फसल की। इसको 4 महीने और 10 दिन हुए है, और दोपहर का है, 1 बजे 1-2 बजे होंगे, पता नहीं एग्जैक्ट टाइम, देखना पड़ेगा, लेकिन वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम ट्रैक्टर चला रहा हूँ मैं ऑलरेडी, तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, स्मूथ चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें ताकत कम पड़ रही है ऐसा कुछ भी। सो फार बहुत ही अच्छा है पावर ट्रैक, मुझे अभी खुशी है इस बात की कि मैंने ये चूज किया। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, मिलता है वैसे, और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे हमें, हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाते रहेंगे, ऐसी कोशिश है। एडिटिंग भारती करती है। और एक और बात बताना चाह रहा था, जो ये मूंगफली के बारे में, जो ऑर्गेनिक मूंगफली हमने की थी जिसमें केमिकल फ्री थी, और सक्सेसफुली मूंगफली अच्छी हुई है, अच्छी पकी है, और क्लीन एकदम खाना मिलेगा हमें भी, हमें खाने को मिलेगी, हमारे पशुओं को चारा भी क्लीन मिलेगा। तो सभी फार्मर से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ ट्राई करें एक बार ये वाला 10% और बनाए, या तो गाय आधारित खेती करें ताकि केमिकल फ्री हम हो जाए जल्दी से जल्दी, और हमारा माल आगे की दुनिया में दूसरे देशों में भी पहुँचे, ताकि सबको पता चले कि हमारे देश में असल में सोना पैदा होता है खेतों में, सिर्फ गाने में नहीं। तो कोशिश करें तो हो जाएगा, ज़रूर होगा। और बाकी का बताना ये था कि इसके बाद का हमारा प्लान है जीरा लगाने का खेत में, वो भी आपको दिखाएंगे आगे, तो अभी बहुत इसका काम बाकी है वैसे, ऑर्गेनिक तरीके से करें। जीरा भी हम केमिकल फ्री करने वाले हैं बिल्कुल, जैसे मूंगफली में किया। और इसमें जब हमने किया तब कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा था कि इसको अभी फेल होने वाला है, रामदेव नए नए ट्राई करता है जिसमें सक्सेस नहीं जाता, लेकिन जाता हूँ मैं जनरली, मेरे डिसीजन पे मैं हमेशा ही अड़े रहता हूँ, ऐसे हूँ मैं अड़ियल थोड़ा सा, और वही करता हूँ जो मुझे लगता है, और इस बार सक्सेस हुए, अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छी मूँगफली हुई जिससे बहुत खुशी है। कितनी हो वो तो अभी बारिश का थोड़ा सा बेसेंगे तभी पता चलेगा, थोड़ा सा बैलेंस नहीं था, पहले सूख गई थी, फिर भी बहुत अच्छी हुई कोई भी केमिकल के बिना। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि केमिकल के बिना कुछ होता ही नहीं है, तो वो प्लीज़ वीडियो देखें कि होता है, ज़रूर होता है, क्यों नहीं, और आगे के वीडियोस भी देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी मूँगफली कितनी हुई, क्या हुआ। हमारा थ्रेसर का काम भी अभी बाकी है आगे, और मूँगफली का भी बहुत जो कलेक्ट करना रहता है खेत में से, वो सब कुछ भारती को करना है पूरा काम, आज की मूँगफली भी कलेक्ट करनी है, सब भारती को कर भारती सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ी देर करेगी, नहीं कर, वैसे मुझे अच्छा लगता है, वो लोग ही करने वाले हमारे जो पार्टनर हैं वो भी कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ का वीडियो भी दिखा। एंड आई थिंक हमने फर्स्ट टाइम हमारे ट्रैक्टर, खुद के ट्रैक्टर से मूंगफली निकाली है, क्योंकि हमारे ऐसा कभी सोचा नहीं था हमने कि ऐसे अपने ट्रैक्टर से कभी अपने खेत में काम करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्लान पहले था नहीं, ये सडनली ऑल सब हो गया, और आप सब लोगों का प्यार ऐसे मिला, सो थैंक यू सो मच। और लास्ट ईयर हमारा बहुत ही अच्छा गया, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से, और आगे भी ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। एंड नेक्स्ट ईयर दिवाली तक हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए, ऐसी दुआएं करते हैं, दुआएं दे, आशीर्वाद दे, एंड आप भी ऐसी दुआएं दे और सब्सक्राइब करवाते रहिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड करवाते रहिए, एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज जो भारती.रामदेव बता दूं कि हमारे वीडियोस में ज्यादातर हम सेम कपड़ों में नजर आते हैं या तो कुछ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये हम कोशिश यही है हमारी कि हम कोई कपड़े बदल बदल के वीडियो बनाना, ये ऐसा कुछ भी हमारा प्लान नहीं है, हम जैसे होते हैं उसी में आपके सामने आ जाते हैं। मेन हमारा एम होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आपको दिखाए कि ये गांव की लाइफ, विलेज लाइफ कैसी होती है हमारे यहाँ की, वो आप सब लोग देख पाए और एंजॉय कर पाए, और आप ट्राई करें कभी भी जीने की, ये लाइफ बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। और वैसे और ये आ गया है, इसका नाम है रामो, ओम, इसका नाम तो ओम है, और किसी का बर्थडे अभी आ नहीं रहा, तो कितने दिन बाकी है, कब
आज हमको बुखार भी है थोड़ा सा, लेकिन ओम स्ट्रॉन्ग बॉय है, कुछ नहीं होता इतने बुखार से। रामदेव भी बोल रहा था, राम हम सब लोग बहुत खुश है कि ट्रैक्टर हमने लिया है, लेकिन ज्यादातर इसका यूज रामो करेगा। जब हमारा खेत में खत्म हो जाएगा तो वो दूसरे खेत में भी जा सकता है, तो वो अपनी भी थोड़ी सी इनकम कर सकता है इससे। हाँ, वो एक मेंशन किया था एक बार, लेकिन हाँ वो मेन वही था। रामो लास्ट ईयर कहीं और ट्रैक्टर चलाने जाता था ड्राइविंग करने, जो ड्राइविंग जॉब होती है उसमें उन लोगों उसको वो दूसरे जो भी ओनर होते हैं वो उसको पर मंथ जो भी उसके जो डिसाइडेड होते हैं वो पैसे देते हैं। तो मैंने सोचा कि हम खुद ही ले लें तो हमारा खेत का भी काम होगा और रामो ड्राइविंग भी करेगा, क्योंकि उसको पसंद है ज़्यादातर ट्रैक्टर ड्राइविंग करना रामो को, और सब काम जानता है। अभी ट्रेन हो चुका है तो रामो ही करता है ड्राइव, मैं अभी वीडियो में थोड़ी देर चलाया वही है, बाकी रामो ड्राइव करता है ऑलरेडी। और उसको कुछ ऑर्डर भी मिल गए चुके हैं मांडवी निकालने के, दूसरी जगह मांडवी रापल वजावाना गुजराती में किए, तो और रामो कुछ सस्ती प्राइस कर रहा है उसने, दूसरों से 50 रुपए कम रखे स्पेशल ऑफर, बीघा 450 रुपए ऐसे कुछ ले रहा है मजदूर के साथ। अभी इन सब का हाँ वो जो मैनेजमेंट है वो सब रामो ही करता है, बिजनेसमैन बन गया रामो, करा के बुक में लिखने मुझे होता है, जब कम पड़ते हैं मैं रामो से ले लूंगा अब तो। नहीं अच्छा है, छोटे भाई की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, उसको भी नहीं वो कर लेगा कुछ, लेकिन अच्छा है अभी इसकी एज है पैसे कमाने की, क्योंकि जल्दी बहू रानी को भी लाना है और बहुत सारे काम है रामो के लिए अभी करने, अभी काजल की तो, शादी भी है। हाँ वो भी हमारी जिम्मेदारी है, तो वो भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर लेंगे। लेकिन वही था आपको बताना, आपके साथ शेयर किया, अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सो फार, और आगे भी देते रहिए प्लीज़, धन्यवाद। राम राम, जय माता दी। अभी राम ओम को कुछ बोलना पड़ेगा, जल्दी बोल दो इससे पहले कि वापस स्टार्ट। बोलो ओ वो कलरफुल बाइक ले लिया है जो घूम जाए, वो दिखा देना दोस्तों को, लेकिन अब तुम दोनों माँ बेटे निकलो, मुझे काम है, जो घूम घूम जाए, घूमता है घूमता है। ये लाइन में से उठा के वहाँ पे डालना, आगे चला जाओ, आगे आगे जो आगे आगे थी हजे आगे थी हजे आगे थी हजे आगे थी बस यस फ्रॉम देयर वहाँ से उठा के उठाओ उठाओ ये वाले मावे बात मावे तुम कर ये आना किधर आना किधर बस एक एक ले ले ना के वहाँ है ना
जो तुम्हारे पास में है ना, हाँ उसको वहाँ पे जाने दो। हाँ अब ये वाला, हाँ मूंगफली है। और तुमने भी हेल्प कर दी थोड़ी सी। हाँ ओके। हाय ओम। हाय। क्या कर रहे हो? ये यहाँ पर वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा खेत में बैठ के? हाँ। और इधर कहाँ हमारे मोर कोई ना चाहे। ओह यार ये पहाड़ एक तब मर जाऊँ। आज राम ने मारो लेके मारे नाक बाप तू मारे नाक महेश यान तो आवड़े रोग हाँकवानो नौ मुंडल कर मंगल जाओ आई ले अब भारतीय वाह रे गा आज नहीं हमने आज तू मिले हुए थे जो और हम हाल ही ने दाखती दारी आती हमारा मरब है हमारा बगर ना मत तू काम करी सारा बापड़ा बस 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 जना लिया तो मारे हरी है हमार हम बहुत आदर कर रहे इसलिए हम आगे जा रहे हम ऐसे मजने की लाइन बदली थी निकाल दिए लगाते हैं वो उसके जब दाने होते तो खेत को वो बहुत ही नुकसान करता है उसके बाद मूंगफली उसमें कम होती है यहाँ से आगे से नहीं थी तो वहाँ पे मूंगफली बहुत ही अच्छी है वैसे ये टोटल मिला के एक बीघा के अंदर में ही ये ज़्यादा नुकसान हुआ था जरा जरा
एक्चुअली इस तरफ जो मैं बता रहा था, ये यहाँ पर कुछ जो लास्ट टाइम हमने वो मोरम डाली थी धूल नई, हमेशा से ही होता है कि नई धूल जब भी डालते हैं तो उससे मूंगफली या कोई भी जो फसल हम लगाते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। और वो टाइम पे वीडियो में दिखने में ऐसा लग रहा था कि कुछ पत्थर वत्थर डाले, लेकिन वो पत्थर के साथ जो धूल थी बाहर की नई, उससे फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने डाली थी। बस निकले पास वाले कारे वाले बस मुकदे हाँ बैठी मुकदे हाँ मुकदे बस वहाँ डर दे ठीक है आओ पाल ले पहला हाँ ऊपर ले हाँ उधर ले बस कर ले बस बार 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 टर्न कर बस मां हाँ टर्न मार दे टर्न कर बिहारी ले ना सेली बस सीधो सीधो आओ दे बार हमारा और पहली बार मैंने बड़ा ट्रैक्टर चलाया था। एक कितने टाइम पहले मैंने लखू भाई का खंभा लिया बड़ा ट्रैक्टर चलाया था और ब्रेक नहीं लगाई थी और जो पूरी आंगन में चारों तरफ अच्छी सी डिजाइन वाली दीवार थी वो पूरी गिरा दी थी और उसके बाद ही और मुझे देखने आए थे और मेरा पेट्रोल बुलेट चलाया था पहली बार और वो भी गिराया था सीधा ही। मैं गया था लखू के साथ और इसने बुलेट जो वहाँ पड़ा था तो चला दिया। तब शादी नहीं थी सगाई हुई थी सगाई और शादी के बीच में और ये ट्रैक्टर की दीवार के बाद पापा और सब देखने आए बोले थे इस दीवार को क्या हुआ। हाँ हमारे ये मेरे पापा ने पूछा मतलब जो भारती के पापा उनको कि दीवार यहाँ क्यों गिर गई तो मालदी मामा ने बोला कि वो कुछ हो गया था उन्होंने बोला कि तो भारती को पापा भी अच्छा मिला हस्बैंड भी ससुर भी सब अच्छे मिले तो इसका जो भी पराक्रम होते भारती के वो ढक देते। यहाँ भी अभी ट्रैक्टर में रिवर्स लेने में थोड़ा सा आप देखोगे वीडियो में चिल्ला रहा था तब जाके ये मतलब थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं पहली बार। अब मैं अच्छी तरह से लेकिन मूंगफली से मैं रिजल्ट से बहुत ही खुश हूँ। बहुत अच्छी ही है। अच्छी मेहनत के हिसाब से भगवान ने दी है बहुत अच्छी। और आई थिंक आज हम और भी बनाने ही वाले हैं आज बनाएंगे बाटी अभी खा रही है कच्चा कच्ची मुझे बहुत अच्छी लगती है से भी ज्यादा और अभी वीडियो शूटिंग कर और एक और बात हम ईमेल एड्रेस डालेंगे वीडियो में किसी को भी मूंगफली चाहिए वो आके लेके जा सकता है। पार्सल की कोई सुविधा नहीं दे पाएंगे हम ना तो कहीं भेज पाएंगे तो जिनको भी चाहिए ऑर्गेनिक अभी पूरी तरह से तो ऑर्गेनिक शायद नहीं बोल सकते क्योंकि लेबोरेटरी में लास्ट ईयर जो केमिकल लास्ट से लास्ट ईयर हुआ था यूज वो शायद आए लेकिन ये साल हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया तो किसी को भी तो वो इसमें केमिकल तो नहीं आएंगे इतने केमिकल सीधा नहीं आता लेकिन अगर लेबोरेटरी करवाए कुछ परसेंटेज शायद दिखे तो हम ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि बिल्कुल केमिकल फ्री है लेकिन
इस बार हमने कुछ यूज नहीं किया, किसी को भी चाहिए तो लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आके लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हम पार्सल सुविधा नहीं पहुँचा पाए। और ये इसका ही हम ऑयल भी निकाल के पूरे साल के लिए रखने वाले, इसका ऑयल निकाल के हम एक बार फुल गर्म कर लेते, ऐसा होता है ना, फुल गर्म कर लेते तो ये इसका जो भी होता है फिल्टर हो जाता है देसी तरीके से। इन शॉर्ट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं, हम ये ऑलवेज कहना भूल जाते हैं, थैंक यू, बाय बाय बाय। हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड थैंक यू एंड बाय एंड बाय एंड बाय।